बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन मैक्रोनी वेजिटेबल मैक्रोनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मैक्रोनीज ली हैं, 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है, 1 ग्रीन शिमला मिर्च ली है, 1 बंद गोभी का बाउल लिया है और 1 रेड शिमला मिर्च ली है। 2 चम्मच मैंने रेड चिल्ली सॉस के लिए है, 2 चम्मच सोया सॉस के लिए है, 2 विनीगर के लिए है, 1 कनौर क्यूब, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और 1 चम्मच व्हाइट चिल्ली पाउडर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिल सके। खुला बर्तन लेके उसमें मैंने 6 गिलास पानी के डाल दिए। अब चूल्हा ऑन करते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालूंगी, 1 चम्मच नमक का। और इसको उबलने देते हैं। पानी हमारा उबलना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें मैक्रोनी डालते हैं। थोड़ा इसको हिला के तो उबलने के लिए रख देते हैं जब तक ये पक ना जाए। हमने 15 मिनट तक इसको उबाला है। अब ये हो गया। अब इसको मैं ड्रेन आउट करती हूँ पानी इसका। अब इसको मैं ठंडे पानी में डाल नॉर्मल पानी में डाल देती हूँ। एक कढ़ाई लेके उसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। दो चम्मच ऑयल में अब मैं चिकन डाल के उसको थोड़ा फ्राई करती हूँ। अब इसमें हम विनेगर और सोया सॉस ऐड कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। अब हम इसमें ना सब्जियां डाल देते हैं सारी सारी। और व्हाइट चिल्ली पाउडर और नमक ऐड कर देते हैं। हमारी सब्जी नरम हो गई है। अब हम इसमें कनौर क्यूब और चिल्ली सॉस ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देते हैं और मिक्स करते हैं। हमारा चिकन वेजिटेबल पास्ता बनकर तैयार है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।